हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वुड इन डोर फ्रेम, यानी कि एक डोर फ्रेम के अंदर कितनी वुड की क्वांटिटी लगी हुई है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों डोर फ्रेम क्या होता है? चौखट, यानी जो दरवाजे की चौखट होती है उसके अंदर कितनी वुड की क्वांटिटी लगी हुई है, एक चौखट में कितनी क्वांटिटी लगी हुई है कि वो आज की हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हमने एक चौखट ली है, एक फ्रेम डोर फ्रेम बनाया है ये, जिसका साइज है 1 मीटर बाय 2100, यानी 1 मीटर वो चौड़ा है और 2100 ऊंचा है। और ये डोर फ्रेम की जो थिकनेस है वो 100 mm है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 100 mm है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमने इसका एक सेक्शन बनाया है कि यहां का ये सेक्शन हमने काटा है, इसका यहां का ये सेक्शन हमने बनाया है, और ये सेक्शन जो है इसमें 100 mm मोटी है, ये 100 mm चौड़ी है और 50 बाय 50 का इसके अंदर पताम कटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं कि इसकी जो डोर फ्रेम है इसकी के अंदर वुड की क्वांटिटी अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है, डोर फ्रेम। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी रनिंग मीटर इसके अंदर वुड लगी हुई है। तो फर्स्टली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखिए ये 100 mm मोटी है, 100 mm का हुआ है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक 2100 है, तो ये भी 2100 हो गई। तो ये क्या करेंगे, 2100 प्लस 2100 प्लस, अब ये 1000 है, 1000 में से हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिए ये, सॉरी ये और ये कैलकुलेट कर लिए, ये सब कैलकुलेट कर लिया हमने, ये लिख दिया 2100, ये और ये हमने ये 2100 2100, अब ये तो हमने ले लिया, ये भी ले लिया, अब ये बचेगा अंदर अंदर, ये कितना बचेगा, 100 इधर से माइनस किया 100 इधर से, तो 1000 में से कितना गया, 800। अब आप दोस्तों समझ गए ना कैसे रखा है कि इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस दोनों माइनस कर दी इसमें, तो ये बाकी जो बैलेंस बचा 800, तो ये हो गया दोस्तों। अब टोटल क्या हो गया, 2100 2100 और 800, तो ये हो गया आपका 2 2 4 8 5000 रनिंग mm, यानी कि अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो 5 रनिंग मीटर। तो ये कितनी रनिंग मीटर चौखट हो गई, 5 रनिंग मीटर। अब दोस्तों ये तो हमने इसकी लंबाई मतलब जो सॉरी इसकी लेंथ जो है वो पता कर ली कि इतनी लंबी लकड़ी इसके अंदर लगेगी, पर कितने, अब इसकी एक्चुअल में क्वांटिटी निकालने के लिए हम इसकी क्वांटिटी किस में निकालते हैं, क्यूबिक फिट, क्यूबिक मीटर में, सीएफटी में, यानी क्यूबिक फिट में इसकी क्वांटिटी निकलती है। हम चौखट को कभी भी रनिंग मीटर में कैलकुलेट नहीं करते, चौखट की हमेशा वॉल्यूम कैलकुलेट की जाती है। तो यानी कि अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, कि भाई लकड़ी कितनी वॉल्यूम की लकड़ी इसके अंदर लगी हुई है। तो अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना पड़ता है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसका करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई स्क्वायर वो है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये जो चौखट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सबसे पहले हम इस पूरी का निकाल लेंगे और उसके बाद जो ये पताम का एरिया है इसको माइनस कर देंगे। तो कितना है एरिया, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई, 0.1
इनटू में 0.1, ब्रेथ भी इतनी है, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इनटू में 0.1 कितना हो गया टोटल पॉइंट। तो दोस्तों अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इनटू में 0.1 कितना हो गया 0.01 स्क्वायर मीटर। हमने ये एम 100 को मीटर में बदल दिया, 0.1 कर दिया। अब ये तो हो गया दोस्तों चौखट का पूरा टोटल एरिया। अब इसके अंदर से जो पताम का एरिया है वो लेस कर देंगे, लेस पताम एरिया। तो पताम का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पताम भी देखिए स्क्वायर ही है तो लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 0.05। इसको भी 50 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू में, तो ये एरिया कितना हो जाएगा पूरा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट जीरो फाइव इंटू में 0.05, तो ये एरिया हो गया अपना 0.0025 स्क्वायर मीटर। तो अब हमारे पास पताम का भी एरिया आ गया है और टोटल चौखट का भी एरिया आ गया है, तो लेस करना है हमें पताम का एरिया चौखट के एरिया में से, तो इसमें से ये लेस कर देंगे चौखट एरिया टोटल एरिया माइनस पताम, तो ये कितना हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट जीरो वन माइनस 0.0025, तो ये बच गया दोस्तों, इसमें से ये माइनस किया तो कितना बचेगा 0.0075 स्क्वायर मीटर। तो ये जो है ये हो गया हमारा टोटल एरिया चौखट का आफ्टर पताम, चौखट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आ गया है, टोटल रनिंग मीटर लेंथ भी है, अब हम आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब चौखट की वॉल्यूम क्या होगी, या चौखट या डोर फ्रेम, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एरिया इनटू में लेंथ होता है, बट अब क्या करेंगे, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टोटल एरिया इनटू में रनिंग लेंथ, तो अब टोटल एरिया कितना है हमारे पास 0.0075 और लेंथ कितनी है हमारी 5 मीटर। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो टोटल, तो ये हमारे पास आ गया 3 क्यूबिक मीटर, यानी या मीटर क्यूब। तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.00375 क्यूबिक मीटर। तो ये दोस्तों ये हो गई हमारी टोटल लकड़ी की या डोर फ्रेम की वॉल्यूम, यानी इतनी क्यूबिक मीटर लकड़ी इस डोर फ्रेम के अंदर लगेगी। तो दोस्तों ये हमने जो है एक तरीका बता दिया है आपको कोई भी डोर फ्रेम के वॉल्यूम यानी उसकी लकड़ी की क्वांटिटी निकालने के लिए। अब आप चाहे कितना ही बड़ा या छोटा डोर फ्रेम हो उससे आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।